हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज यहाँ पे मैं आपको बहुत ही खूबसूरत सा ब्लाउज बताने वाली हूँ। तो ये यहाँ पे सिल्क साड़ी का बहुत ही सुंदर सा ब्लाउज है। इसमें सारा कुछ पहले से ही अंदर से दिया हुआ है। इसका बैक और फ्रंट और इसकी जो बाजू है 10 इंच की, तो इस तरह से इसका सारा लुक इसमें दिया हुआ है। बस हमें इसको अच्छे से निकालना है। कैसे निकालना है ये सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी। तो इसको मैं 38 इंच का यहाँ पे इसकी जो फिटिंग है चेस्ट की 38 इंच की, उसी के अकॉर्डिंग में इसे तैयार करूँगी। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, जिससे हमारी नई आने वाली वीडियो के अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो सबसे पहले हम इसे खोल के आपको इसका सारा कुछ दिखा देते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें ये हमारा बैक है, इसका बड़ा गला है, तो ये बैक पार्ट है और ये हमारी स्लीव्स होगी दोनों साइड में, और ये इसका फ्रंट पार्ट हो गया। इसमें देखिए यहाँ पे जो टक्स हैं उसके भी निशान यहाँ पे बने हुए हैं। तो इसी से मिला के हमें बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे ब्लाउज बना के तैयार करना है। तो सबसे पहले मैं अस्तर लूँगी और अस्तर पे इसकी फुल मार्किंग करूँगी। इसको मैंने इस तरह से लिया है और यहाँ पे देखिए इसकी जो डबल फोल्ड करने के बाद में इसकी लंबाई यहाँ पे आप देख सकते हैं 16 इंच की है, और मुझे ये प्रॉपर 14 इंच का ही तैयार करना है। अभी मैं इसको इस तरह से 4 फोल्ड कर लूँगी। इसकी चेस्ट यहाँ पे देखिए, आपने देखा कि मैंने 38 इंच का इसको तैयार करना है, तो इसके अकॉर्डिंग 9.5 और प्लस मैंने यहाँ पे ऊपर 2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है, और इसे मैंने इस तरह से 4 फोल्ड कर लिया है। अभी इस पर मैं निशान बनाऊँगी। तो निशान बनाने से पहले मैं इसका गला देख लेती हूँ यहाँ पे, क्योंकि प्रॉपर मुझे यही गला चाहिए। और यहाँ पे मैंने इस तरह से इसका एक निशान बनाया, तो ये देखिए यहाँ पे 6.5 का आराम से आ रहा है, और इसकी लंबाई भी यहाँ पे इतनी हमें चाहिए प्रॉपर उतनी आ रही है। ये हमारा फ्रंट पार्ट है, ठीक है। अभी इसका जो बैक पार्ट है उसको भी हमें देखना है। तो बैक पार्ट भी यहाँ पर आराम से देखिए, यहाँ पर आराम से 10 इंच आ रहा है, और देखिए इस पर लिखा भी है बैक पार्ट, तो उसी के हिसाब से मुझे इस तरह से यहाँ पे ऐसे निशान बनाना है और देख लेना है कि ये पूरा प्रॉपर कितना आ रहा है। तो 1/2 इंच यहाँ पे सिलाई में जाएगा, तो जितना इसका डिज़ाइन है हमें उतना ही करना पड़ेगा। तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें इसके शोल्डर लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर 6.5 इंच के इसके शोल्डर लिए हैं, और यहाँ पर 7 इंच के मैंने इसके आर्म होल लिए हैं। और अभी यहाँ पर मुझे इसकी चेस्ट पर निशान लगाना है, तो मैंने यहाँ पर देखिए 9.5 और प्लस मैंने 1/2 इंच एक्स्ट्रा कर लिया है, क्योंकि मुझे ऊपर भी आर्म होल पे एक प्लेट डालनी है, तो इसके हिसाब से मैंने 1/2 इंच यहाँ पे बढ़ा के लिया है, यानी 10 इंच पे मैंने यहाँ पे लगाया है निशान। और इस लाइन को मैंने अभी यहाँ पे सीधा कर लिया है, और 2 इंच पे मैं इसमें कर्व दूंगी। अगर आपके पास कर्व देने वाला जो घुमाव का अगर आपके पास स्केल है तो आप उसमें दे सकती हैं। और इसके बाद में अभी देखिए क्या करना है, जो पीछे से हमारी जितनी फिटिंग है उसका बीच का हमें लेना है यहाँ पे, और उसी से यहाँ पे देखिए 3.5 इंच की एक यहाँ पे प्लेट लगानी है हमको। ये हमारा बैक पार्ट है, अभी इसे हम कट कर लेंगे इस तरह से। और इसे हमने देखिए फ्रंट और बैक दोनों अच्छे से निकाल लिए हैं। और इसके बाद में अभी हमें दोनों पार्ट अलग अलग कर लेने हैं, फ्रंट और बैक। तो ये हमारा बैक पार्ट हो गया और ये हमारा फ्रंट पार्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रंट और बैक दोनों अच्छे से निकल गए हैं। अभी यहाँ पे हमें इसके मेन फैब्रिक पे रखे कट करना है। सबसे पहले इसे हम खोलेंगे और जो इसका बैक नेक है और जो इसका फ्रंट पार्ट है दोनों को रख रख के इसे कट कर लेना है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर इसका फ्रंट पार्ट निकाल लिया है इस तरह से। अभी इसकी देखिए स्लीव्स है, इन दोनों स्लीव्स को मुझे साइड कर लेना है। और अभी यहाँ पे ये हमारा बैक पार्ट है, तो बैक पार्ट देखिए दोनों में मैंने यहाँ पे 12-12 इंच का निशान बना लिया है, क्योंकि एक्चुअली क्या होगा मुझे बीच से इसे कट करना है, बैक हुक करना है। तो यहाँ पे हमारा पूरा ब्लाउज अच्छे से कट गया है, अभी इसे हम सिलाई करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे इसके सारे पार्ट हमें साइड रख देने हैं, और इसका जो फ्रंट पार्ट है उसे हमें सिलाई लगाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ऐसा उल्टा रखना है, ठीक है, और पिन लगा देनी है ताकि जो हमारा बीच का निशान है वो बीच में ही रहे। अब इसके किनारे किनारे पे हम सिलाई लगाएंगे, इसके गले पे जो भी इसका गला दिया हुआ है उसी पे सिलाई लगानी है। सिलाई लगा के अब इसे हमें ऐसे कट कर देना है, जो इसका एक्स्ट्रा कपड़ा है वो निकाल देना है और छोटे छोटे कट लगाने हैं। कट लगा के अभी इनको हम पलट देंगे, सीधा कर देंगे। सीधा करने के बाद में देखिए कितना सुंदर जो गला था वही निकल के बाहर आया है। यहाँ पर हम कुछ लेस वगैरह इसमें नहीं लगाएंगे,
क्योंकि इसका जो फाइनल जो बाहर से ही इसका जो डिज़ाइन आया है वो यहाँ पे बंद हो जाएगा, तो इसलिए मुझे इसमें कुछ भी नहीं लगाना है। और इसके किनारे किनारे पे अभी देखिए मैंने बड़ी सिलाई कर दी है, बड़ी सिलाई करने के बाद में अभी पूरी ब्लाउज पे मैं अच्छे से सिलाई लगा दूँगी, ठीक है। सिलाई लगाने से हमारा अस्तर और हमारा जो कपड़ा है आपस में सेट हो जाएगा। और वैसे भी जब भी आप मेन फैब्रिक कट करते हैं तो उसको थोड़ा थोड़ा बढ़ा के कट करना हो रहता है 1 इंच को, तो मैंने यहाँ पर थोड़ा थोड़ा बढ़ा के कट किया था। अभी हमने साइड से इसे पूरा अच्छे से कट कर दिया है। देखिए बीच से हमने इस तरह से निशान लगाया है और 3.5 इंच पे मैंने एक निशान लगा देना है। ऊपर से अगर हम मापेंगे तो ये देखिए 11 इंच पे मैंने निशान बनाया है। और फिटिंग इसकी आपने देखी यहाँ पे 38 इंच की है, तो इसके हिसाब से मैंने 1/2 इंच बढ़ा के 10 इंच पे निशान बनाया है, क्योंकि मुझे वहाँ पे भी एक छोटी सी टक्स प्लेट लगानी है। तो ये देखिए एक हमने ये प्लेट लगानी है और एक हमने ये प्लेट लगानी है, तो दोनों साइड में मुझे प्लेट लगानी है। ये हमारा देखिए प्रिंस कट नहीं है, बट इसकी जो फिटिंग आएगी, इसकी जो डिज़ाइन आएगी, एकदम प्रिंस कट जैसा ही दिखेगा, बहुत ही सुंदर ब्लाउज बन के तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से ये इतना गैप हमें इसके अंदर चाहिए, ठीक है। ये देखिए हमने यहाँ पे अभी छांट देना है, तो यहाँ से मैंने 7 इंच पे निशान लगा के और उसमें कर देना है। लेकिन उसके बाद में सबसे पहले हम प्लेट लगाएंगे, उसके बाद में हम इसमें छांट देंगे। अभी दोनों को मुझे बराबर कर लेना है। वहाँ पे निशान क्या बना है ये चीज़ हमें मायने नहीं रखती है, हमें बीच से पहले जो हमारा गला है वहाँ से हमें फोल्ड करना है और 3.5 इंच पे निशान बनाना है। और वहाँ से हमें इस लाइन को ऊपर से देखिए 11 इंच पे मैंने निशान बनाया है, वही हमारे जो टक्स पॉइंट है वो बीच का रहता है, वहाँ तक ही हमें लेके आना है। इधर भी हमने ऐसे ही निशान बनाया है और दूसरी साइड भी हमें सेम वही निशान देखिए इस तरह से चाहिए। इस तरह से जो आपका जो बन टक्स का जो ब्लाउज बनता है उसकी फिटिंग बहुत ही कमाल की आती है, ठीक है। लहंगे वगैरह में या महंगी सिल्क साड़ियों में ये जो ब्लाउज होते हैं बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। और ज़्यादातर जो पतली साड़ियाँ होती हैं जिनमें से आर पार दिखता है, तो उसमें से जो फ्रंट के हुक होते हैं वो दिखते हैं, तो इसीलिए इस तरह से जो आप ब्लाउज बनाएंगी उनकी फिटिंग भी बहुत ही परफेक्ट आती है। तो ये देखिए यहाँ पे इस तरह से एक एक ये जो प्लेट्स है हमें इधर भी लगा देंगे और यहाँ पे लाके ख़त्म कर देंगे। इसकी जो फ्रंट की एक प्लेट है और साइड की प्लेट है वो हम नहीं लगाएंगे, हमें यहाँ पे दो दो प्लेट में ही खूबसूरत ब्लाउज बना के तैयार करेंगे। तो यहाँ पे हमारी जो प्लेट्स अच्छे से कंप्लीट हो गई। यहाँ पे देखिए इसमें देखिए कितना अच्छी फिटिंग के साथ में ये ब्लाउज बन के तैयार होगा। अभी यहाँ पे हमें छांट दे देना है। जब भी आप प्रिंस कट बनाते हैं या फिर ये डिज़ाइन बनाते हैं तो आपको जो ये छांट देना होता है तो बाद में ही देना होता है, जब आप यहाँ से प्लेट लगा लेते हैं। इससे होता क्या है कि आपकी जो आरमूल की गुलाई होती है वो बहुत ही परफेक्ट आती है देखने के लिए। अभी एक चीज़ हम आपको और बताते हैं कि जो हमारे आर्म होल में ये सामने से जो गला रहता है वो कितना रहता है। तो सामने से ये 13 इंच का रहता है, अगर आप इसको ज़्यादा कर देंगे ना तो ये जो इसके शोल्डर हैं वो गिरते रहेंगे, तो इसी हिसाब से इसे छांट दिया जाता है, ठीक है। अभी नीचे से मैं फिनिशिंग दे दूंगी, क्योंकि मुझे ब्लाउज की जो फुल लंबाई है वो 14 इंच की ही चाहिए। तो मैंने यहाँ पे एक पट्टी कट करी है और इसको इस तरह से लगा के नीचे को फिनिशिंग दे देनी है। इससे होगा क्या कि नीचे की साइड में भी एकदम फिनिशिंग आ जाएगी और बहुत ही सुंदर ब्लाउज यहाँ पे तैयार हो जाएगा। तो अब इस तरह से हमें इसका बैक पार्ट तैयार करना है, तो इसके लिए देखिए क्या करना है हमें। तो इसका जो अस्तर है वैसे मुझे नहीं सिलना है, ठीक है। इसमें देखिए काफ़ी गैप दिया है, अगर उस गैप के साथ में इस गले को बनाऊंगी तो वो हमारा गला काफ़ी बड़ा हो जाएगा, फैल जाएगा, मतलब बड़ा तो कितना भी रहे लेकिन फैलना नहीं चाहिए। तो इसके लिए मैंने दोनों पार्ट को अलग अलग कर दिया है देखिए इस तरह से। और अभी इसके बाद में मुझे इस तरह से रखना है, और आप देख रहे हैं जो यहाँ पे सिंपल कपड़ा है सादा उसको मुझे साइड में रखना है, क्योंकि जो हमने मेन फैब्रिक कट किया है उसको हमें ध्यान में नहीं रखना है, जो हमारा यहाँ पे अस्तर मैंने कट किया था उसको ध्यान में रखना है, ठीक है। और अभी इस गले पे हमें लगानी है सिलाई। तो सिलाई लगाने के बाद देखिए क्या करना है, जो हमारा मेन फैब्रिक था बीच में जो लाइन बनी थी 1 इंच हमने बढ़ा के अच्छे से सिलाई लगाई है, इसे हम काट के निकाल देंगे। तो 1 इंच हमारा इधर से फैलाव कम होगा और 1 इंच हमारा उधर से, तो मैक्सिमम हमारा 2 इंच यहाँ पे फैलाव कम हो जाएगा। इसी से हमारा जो गला है बहुत ही परफेक्ट बन जाएगा जितना हमें चाहिए। और अभी हमें इस तरह से इसको इस तरह से हाथ थोड़ी सी उंगली ऐसे ऐसे घुमानी है ताकि सिलाई अच्छे से बैठ जाए और गले पे सफाई आ जाए, और वहाँ पे हमें लगानी है सिलाई। सिलाई लगाने के बाद में अभी इसके चारों तरफ सिलाई लगानी है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें मापना है देखिए कितना चाहिए हमें, 12 इंच का ही यहाँ पे इसका एक पार्ट चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसकी फिटिंग है तो 9.5 इंच मुझे रखनी है टोटल,
तो यहाँ पे मैंने 2 इंच 2.25 इंच तक ज़्यादा लिया है, क्योंकि अगर आपको बाद में लगेगा तो आप अपने हिसाब से उसे छांट के निकाल सकते हैं। अगर कपड़ा कम पड़ता है तो फिर आपको जोड़ना रहता है, अगर आपको जोड़ना ही रहेगा तो उस हिसाब से आप जोड़ सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे मुझे क्या करना है, देखिए ऐसे इसकी जो पट्टी लगानी है, तो जो भी गले में कपड़ा निकला था उसको मैंने इस तरह से पट्टी बना दी। यहाँ पे डबल फोल्ड की हुई है, 3 इंच की मैंने इसे ली थी, और डबल फोल्ड करके कॉटन की पट्टी, ठीक है, मैंने लेफ्ट साइड में लगाई है क्योंकि ये बैक हुक है। और इस तरह से ये पट्टी हमारे यहाँ पे तैयार हो गई है, हमारा एक पार्ट यहाँ पे तैयार हो गया। अभी ऐसे ही हमें अपना जो इसका दूसरा पार्ट है वो तैयार कर लेना है। ये देखिए हमारे दोनों पार्ट बढ़िया से तैयार हो गए, हमारा गला बहुत ही खूबसूरत बन के तैयार हुआ है। तो अभी दोनों को इस तरह से मिला लेना है पिन के साथ में, और जो भी आपको एक्स्ट्रा देखिए वो कट करके निकाल देना है। और इसके बाद में इसमें भी पीछे की साइड में हमें दे देनी है फिनिशिंग। तो इसके लिए भी देखिए इस तरह से जो भी आपको एक्स्ट्रा दिखे, क्योंकि हमें 14 इंच की यहाँ पे इसकी जो हाइट है वो चाहिए। और इधर भी हमें पट्टी लगा देनी है इस तरह से, और पीछे की प्लेट्स भी हमने लगा दी है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं हमारा बैक पार्ट एकदम कंप्लीट हो गया है। और अभी मुझे इसके शोल्डर जोड़ने हैं। तो जिस तरह से आप अपने शोल्डर जोड़ते हैं सेम उसी तरह से हमें इसके जोड़ने हैं। तो इसके साथ हमें एक काम और करना है, ताकि आपके जो शोल्डर में फिनिशिंग आ जाए हमें मुड्डे में। तो इसे मैंने पट्टी कट करी है, और पट्टी को इसे इस तरह से सिलाई लगा दी है, और इसके धागे वगैरह नहीं निकलेंगे और उसमें एक अच्छी सी फिनिशिंग आ जाएगी। तो देखिए अगर आपको इसमें लगाने हैं कप्स, तो आप दोनों के बीच में कप्स लगा के इसे अच्छे से तैयार कर सकते हैं। मैंने उसका भी वीडियो बनाया हुआ है, और उसकी लिंक मैं इसमें नीचे शेयर कर दूँगी, देखिएगा आप ज़रूर। और अभी मैंने अस्तर कट किया हुआ है, ठीक है। अब अस्तर को मुझे साइड में कपड़ा जोड़ना है, तो उसके लिए मैंने साइड में इस तरह से जॉइंट के लिए कपड़ा रखा हुआ है, क्योंकि हमारे जो स्लीव्स में कपड़ा था वो फुल था, लेकिन बाजू में हमें जोड़ना है। तो ये देखिए यहाँ पे हमने दोनों साइड में कपड़े को जोड़ लिया है, और अभी इस तरह से हमें रखना है, और नीचे से सिलाई करनी है। सिलाई करके और वापस से इसे सीधा करके इसे पलट देना है। पलटने के बाद में ये देखिए यहाँ पर, तो मुझे यहाँ पे ये 11 इंच की बाजू को मैंने लिया है। नीचे से मैंने गुलाई 6 इंच पे दी है, क्योंकि टोटल नीचे गुलाई 12 इंच की है, ऊपर को 7 इंच पे है। तो इस तरह से मुझे मिला लेना है, और यहाँ पे जो भी इसका फालतू का कपड़ा है वो मुझे ऐसे कट करके निकाल देना है। तो यहाँ पे हमारे जो स्लीव्स है एकदम कम्प्लीट हो गई है। अब ऐसे ही हमें दूसरी भी बना लेनी है, और दूसरी बनाने के बाद में मुझे इसे ज्वाइंट करना है। तो यहाँ पर देखिए बाजू में मुझे थोड़ी सी यहाँ पर अलग लुक देना है, और इसके लिए मैंने ये यहाँ पर लेस ली है, और यही लेस मैं दोनों बाजू में लगा दूंगी। तो इस तरह से मेरी बहुत ही खूबसूरत सी यहाँ पे दोनों बाजू तैयार हो जाएंगे। और अभी इन्हें मैं अपने आर्म होल में ज्वाइंट करूँगी, तो ऐसे बीच से निशान बनाऊँगी और इस तरह से इसे लगाऊँगी। यहाँ पे देखिए इस तरह से, और एक साइड से पहले हमें यहाँ पे सिलाई लगाना है, इसके बाद में देखिए दूसरी साइड से। तो ऐसे ही आपको दोनों स्लीव्स को अटैच कर लेना है, और दोनों में देनी है फिटिंग। तो जो हमारी नीचे की फिटिंग है वो 32 इंच की है, तो मैंने 8 इंच पे नीचे निशान बनाया है, और इसकी जो फिटिंग है चेस्ट की उसमें 9.5 इंच पे निशान बनाया है, और बाजू पे इसकी गुलाई है 12 इंच की, तो मैंने 6 इंच पर निशान बनाया है। तो यहाँ पर हमारे सारे जो मेजरमेंट थे उसके हिसाब से मेरा ब्लाउज़ कम्प्लीट हो गया है, और अभी मैं इसमें लटकन डोरी लगा दूंगी। तो इसी के कलर की मैंने ये देखिए डोरी ली है, और यहाँ पे मैं बहुत ही खूबसूरत लटकन बनाऊंगी एकदम पार्टी वेयर। तो इस तरह से मैंने ये देखिए यहाँ पे 3 तिकोने कट कर लिए हैं, और उनको मैं इस तरह से डोरी में सीधा रखूँगी, सीधा करूँगी, और जो दूसरा वाला तिकोना है उसको मैं इस तरह से उल्टा रखूँगी, ठीक है। उल्टा रख के 2 इंच की मैंने दूरी रखी है, ताकि एक के ऊपर एक आ जाए। इस तरह से आप चाहें तो 4 भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे 3-3 लगाऊंगी। इसी से हमारी जो डोरी है बहुत ही खूबसूरत बनके तैयार हो जाएगी। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये। आप चाहें तो इसमें लटकन बना के भी लगा सकते हैं, और रेडीमेड भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर बने हुए लटकन जैसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। तो फ्रेंड कैसी लगी आपको हमारी वीडियो, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको कुछ पूछना बताना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। और मिलते हैं एक ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम और जोस
और मौज पर भी फॉलो कर सकते हैं इस तरह के डिज़ाइन देखने के लिए।